गुड इवनिंग फ्रेंड। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग से। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ खरबूजा, तो आप लोग भी हमारे साथ आकर खरबूजा खा लीजिए। आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो बताऊँगी कि क्यों नहीं शूट की थी मैं वीडियो। तो बस अभी मैं एकदम से उठी हूँ। जब मैं सो रही थी तो एकदम से उठी, तो काफ़ी लेट हो गया है शाम को, क्योंकि मुझे खाना भी जल्दी बनाना होता है अब शाम में। तो फिर मैंने सोचा पहले नाश्ता वगैरह, अब इस टाइम कुछ बनाती खाने के लिए, तो वैसे खाना बनाने में लेट हो जाता। तो खरबूजा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा पहले यही एक काट कर दे देती हूँ, जब तक सब लोग खा लेंगे, फिर चाय वाय बना दूँगी और इधर फिर मैं सब्जी वगैरह बनाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड इधर मैं बन काट रही हूँ सब्जी, और ये है लोबिया की फली जिसकी मुझे आज सब्जी बनानी है शाम को। तो फटाफट से मैं इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ और आलू प्याज सब मिक्स करके बनाऊँगी सब्जी को। तो यहाँ पर मैंने डाला है राई, काला सरसों जिसे बोलते हैं वो डाला है, और तेज पत्ता डाला है। उसके बाद वो चटक गया था अच्छी तरीके से, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है सब्जियाँ, आलू प्याज और लोबिया। और मैं बहुत शॉर्टकट में आज सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम बताया ही मैंने आपको, टाइम बिल्कुल कम है मेरे पास और मुझे फटाफट पापा के लिए खाना बनाना है, लंच तैयार करना है। तो देखिए फटाफट सब्ज़ी कैसे बनती है। तो सब्ज़ी भुन गई थी तो मैंने उसमें पिसा हुआ मसाला डाल दिया है, और एक्चुअली देखिए जल्दी जल्दी में जब मैं वॉइस ओवर करने लगी तब मुझे ध्यान आया कि सब्ज़ी मैंने दो चीज़ नहीं ऐड की यहाँ पे, ना लहसुन और ना टमाटर, तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये नहीं बोलूँगी मैं यहाँ की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, नहीं अच्छी लग रही थी सब्ज़ी, क्योंकि इसमें लहसुन का टेस्ट और टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है लोबिया में, इसका जो हरापन होता है वो लहसुन से चला जाता है, वो नहीं डाला मैंने। जब मैं खाने बैठी तब मुझे ध्यान आया कि मैंने दो चीज़ इसमें ऐड ही नहीं किया जो कि मेन होती है सब्ज़ी की, बट क्या करूँ लेट होता है ना कभी कभी तो ऐसा होता है। और इधर मैं बना रही हूँ आम का मुरब्बा। एक्चुअली ना ये आम मैं ली थी खाने के लिए, बट ना ये बहुत ज़्यादा खट्टी थी, बिल्कुल मीठापन नहीं था। देखने में ऐसा लगता मीठे वाले आम हैं, जो कच्चे थोड़े से मीठे लगते हैं ना, वो खाने में अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसीलिए लिया था। ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने आधी किलो ली थी, तो फिर जब खट्टे थे मैंने सोचा फिर इतने खट्टे आम खाएगा कोई नहीं, वो बेकार हो जाएगा, तो मैं सोचा इसको चलो मुरब्बा बना देते हैं मीठा वाला, थोड़ा सा चीनी डालकर, गुड़ तो है नहीं, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड किया है खट्टा और मीठा में थोड़ा तीखापन डालने के लिए, और हल्का सा यहाँ पर नमक भी ऐड करेंगे। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं नहीं खाती इसको, मीठी चीज़ से तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम है, तो बस ये पापा वगैरह खाते हैं तो मैं वही उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इस एक सब दो एक सब्जी के साथ ये हो जाता है ना मुरब्बा, तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर मुझे सोचना पड़ता है लंच में कि सब्जी रोटी के साथ और क्या दूँ ऐसा कुछ, क्योंकि सूखी सूखी सी हो जाती है सब्जी रोटी, नहीं खाया जाता है। तो अगर ये मुरब्बा साथ में रहेगा तो अच्छे से खा लेंगे पापा। और तो देखिए सब्जी भी उधर मेरी अभी बनी नहीं है, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज़्यादा मैंने भूना भी नहीं है, नहीं तो भूनते भूनते ये गल जाता है, पर इतना टाइम नहीं था ना, इसलिए मैंने फटाफट भून मसाला भून बांध के पानी डाल दिया। मुरब्बा मेरा बिल्कुल हो गया है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मुझे रोटी भी बनानी है, तो आटा मैंने गूंद रखा था सुबह ही, फ्रिज में रख दी थी, तो मैं इधर सब्जी मैंने ना इस गैस पर कर दिया है और मैं इधर बना रही हूँ रोटी। तो रोटी बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
तो फ्रेंड अब मेरा खाना बन गया जल्दी जल्दी में। मैं बता रही थी कि मैं जल्दी जल्दी बनाई हूँ आज खाना सच में। और उसके बाद बर्तन देख रहे हैं, बहुत सारे बर्तनों के सुबह के सारे बर्तन इकट्ठे थे। और अभी हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। मैंने सोचा था ज़्यादा बर्तन होता ना तो मैं छत पर चली जाती धोने के लिए, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो मैं नीचे भी ऊपर भीग जाऊँगी। तो हमारा बस दिक्कत ही दिक्कत है, ज़्यादा धूप हो तो भी दिक्कत, बारिश हो तो भी दिक्कत, मतलब कभी भी सूख नहीं है तो नीचे ही धुलना पड़ रहा है। तो मैं नीचे यहाँ पे इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अभी धोने के बाद पोछा वगैरह मार दूँगी। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था सुबह, तो कह दे रही कुछ भी काम नहीं किया था यार मैंने सुबह। तो वो मैं बर्तन फटाफट मांझ के, और पापा का लंच बॉक्स भी वगैरह भी था तो मैं सबको अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद फिर यहाँ पर पोछा, यहाँ पर पहले झाड़ू मारूँगी, उसके बाद पूरे घर में भी पोछा लगाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी। अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, तो यहाँ पर बाबू से बात कर रही हूँ। बाबू से मैंने वो कैमरा ऑफ करने के लिए बोलता, पॉज करने के लिए, तो वही मैं बोल रही थी। और इधर अभी पानी की बोतल भी यहीं पर रखी हुई है, तो इसको धो के फिर मैं अंदर किचन के साइड ले जाऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर पानी इसलिए नहीं गिराती हूँ क्योंकि ये मेन मतलब मेन गेट है ना यहाँ पर, तो बार बार आते जाते गीला गीला सब पूरा घर हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर पानी का काम बहुत कम करती हूँ, बट मजबूरी में मुझे करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने बोतल भी उस टाइम नहीं धोया था जिस टाइम पानी आया था। मैंने कहा जब यहाँ पर बर्तन वर्तन धोंगी, जब पोछा लगाना होगा ना उसी टाइम पर धो लूँगी। अब यह है कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू मार दूँगी अच्छे से, तो वह धो के बोतल को उधर ले जाके फिर यहाँ पर पोछा मार दूँगी तो सूख जाएगा। अब सूखेगा क्या यार, बारिश हो रही है तो ये भी नहीं सूखेगा, बट हाँ कोस तो हो जाएगा क्योंकि अभी तो खैर बाहर आना जाना नहीं है तो इतना कचकच नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू मार दिया है। अब किचन में थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि रोटी बनाई है मैंने, तो आटा वाटा सब गिरा हुआ है, तो किचन जब साफ कर लूँगी स्लिप वगैरह तब नहाऊँगी। और इधर माइंड मत करिएगा, इधर रोटी मैंने रख रखा है क्योंकि सिंगल सिंगल करके सारी रोटी मैंने फैला रखी है सूख क्योंकि ठंडी होने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो अभी सच में इवनिंग हो रहा है, इवनिंग क्या 7 बज गए हैं शाम के, तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। अब थोड़ी सी हल्की हुई है, नहीं तो आधे घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम तो ख़राब था तकरीबन 5 बजे से, बट बारिश अभी शुरू हुई थी। तो देखिए मैं अभी नहा कर आई हूँ, मेरे बाल अभी गीले हैं, अभी कंघी नहीं किया मैंने, बस मैंने सिंदूर लगा लिया है और लिपस्टिक लगा ली है बस। तो मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए चाय। खाना बन गया है मेरा, दिखाया खाना तो आपने देख ही लिया, मैं सब्जी रोटी बन गई, तो रोटी बस मैं पापा के लिए बनाई थी। अब मैं बनाऊंगी अभी चाय, उसके बाद फिर देखती हूँ कब बनाती हूँ मैं डिनर, मतलब रोटी बनाऊंगी खाने के टाइम पे। तो चलिए जी बनाते हैं चाय। तो चाय बनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर भी करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। चाय पीजिए, तो चाय पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से चाय पीने के बाद। लीजिए चाय। पानी खेलने पे जाते डंडा चढ़ाया था क्या मेरे को पानी से। तो फ्रेंड अब मैं आ गई हूँ, खाना बना मेरा हो गया, इधर डिनर सब हो गया है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, सारा काम हो गया। तो मेन मेरा लास्ट का काम रह जाता है कपड़ों में तह मारना। मैं
इस टाइम इसलिए कपड़ों में तह मारती हूँ कि इस टाइम मेरे को शांति रहती है। बापू भी अपना सो जाता है, चाहे लेट जाता है, टीवी वगैरह देखता रहता है तो उठेगा नहीं वो, तो मैं आराम से इधर बैठकर कपड़ों में तह मार लूँ, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। इसी यहीं पे बाबू भी पढ़ता है, यहाँ पर चेयर है तो कभी कुछ काम भी होता है, तो इस वजह से अब इस टाइम पे कोई नीचे बेड से नहीं उतरेगा, तो मैं आराम से यहाँ पर अपने कपड़े तह मार लूँगी। और ये कपड़े एक दिन के नहीं है, 4-5 दिन के कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह जितनी भी धुली थी सारे पिलो कवर सब यहीं पर है, तो मैं फटाफट से इसको तह मारूँगी। लग जाएगा मुझे आधा पौना घंटा क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं, तो मैं इसको फास्ट करके दिखा रही हूँ आपको, बट इतनी जल्दी नहीं तह मारी हूँ। तो तह कपड़ों को तह मारूंगी, फिर मैं मच्छरदानी लगाऊंगी। अब देख रहे होंगे दो साइड मच्छरदानी लगी हुई है, दो साइड। आज मच्छरदानी इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि आज बारिश हुई है, तो फिर जो ठंडा मौसम होता है ना तो मच्छर फिर से आ जाते हैं। नहीं तो अभी एक हफ्ते से मच्छरदानी नहीं लगा रही थी, इतनी गर्मी थी तो मच्छर सारे मर गए थे, तो ऑल आउट से काम चल जा रहा था, बट अभी ऑल आउट से भी काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ के मच्छर ना बहुत ढीट हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं कपड़ों में तह मारूंगी और उसके बाद फिर मच्छरदानी लगाऊंगी। फ्रेंड देखिए, मैंने देखा आपने, मैंने कपड़े तह मार लिए सारे, और सारे कपड़े तह मार ली हूँ, लेकिन बैठ लेती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। मैं अभी चाय लेके बैठी हूँ क्योंकि सोने से पहले मुझे चाय चाहिए। तो कपड़े मैं तह मार ली हूँ, लेकिन अभी रखी नहीं हूँ अलमारी में, जहाँ जहाँ जिस कपड़े रखना है अपनी जगह पर मैं नहीं रखी हूँ, ये रखूँगी मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और मुझे लाइट बंद करनी है अभी। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और आज का वीडियो तो आपको पता ही है, मैंने इवनिंग से ही स्टार्ट किया था, मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं की थी। मॉर्निंग से क्या, कल भी कोई वीडियो शूट नहीं की थी, परसों का वीडियो था वो मैंने कल डाला था, और ये वीडियो मैंने इवनिंग से, वो भी मैं सो गई थी, बहुत लेट उठी मेरी, जब आँख खुली तो मेरे को लगा कि मैंने आज कल के लिए तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, फिर मैंने फटाफट से शूट किया और शाम को ही जो भी सारा काम किया था, जो मॉर्निंग में काम करती वो शाम को किया, तो फिर मैंने शाम को ही वीडियो शूट किया। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। कि कुछ लोग आते हैं मेरे वीडियो पे और कमेंट करके चले जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप भी मेरे चैनल पर आना, तो डियर प्लीज़ आप लोग आते हैं तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच करा करिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी का फुल वीडियो वॉच करना होता तभी मैं उसके चैनल पर जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी के भी वीडियो पर जाकर 1-2 मिनट देखने के बाद कमेंट करके आ जाते हैं हम लोग, उससे उसके वीडियो की रैंकिंग गिर जाती है। तो मुझे मेरे बस की जितनी होती है मैं उतने लोगों के को वीडियो ही देखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 या 6 लोगों की वीडियो देखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सबके वीडियो फुल वॉच नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर किसी को पता है टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है कि एक यूट्यूबर के पास, और नेट की प्रॉब्लम होती है तो इतना नहीं, फिर मैं सबके पास जा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं आप मेरे वीडियो पर नहीं आते हो, आप मेरे वीडियो पर आया करो, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगी, ऐसे कैसे करके मुझे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर ऐसी तुच्छी मुझे धमकियां मत दिया करो। मैं किसी को अपने वीडियो पर नहीं बुलाती हूँ कि ज़बरदस्ती की मेरे वीडियो पर आया ही करो आप लोग, तो प्लीज़ ऐसे मत करा करो, किसी की वीडियो पर जाकर उसकी वीडियो की रैंक मत गिराया करो। खाना पूर्ति नहीं करनी है यहाँ पर, जिसका मन होगा देखने का वो खुद देखेगा, कोई ज़बरदस्ती मेरा जिसका वीडियो मन करता है देखने का मैं देखती हूँ, मुझसे कोई ज़बरदस्ती करके तो वीडियो दिखानी कि नहीं मेरा वीडियो तुम देखो तो मैं देखूँगी, क्योंकि मजबूरी है, मेरी तो मजबूरी है भैया, कि मेरे पास नेट इतना नहीं है कि मैं सबके वीडियो देखूं, आप समझ सकते हैं। इस वजह से मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, मेरे पास खुद नेट की कमी है, मैं कैसे देखूंगी। तो आप लोग ऐसा मत किया करिए प्लीज़, देखना है तो वीडियो अच्छे से देखा करिए, कमेंट करा करिए, वरना ये आके जो झूठ मूठ का कमेंट करते ना होता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जब उसका रैंक गिर जाता है ना फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि YouTube उसको बिल्कुल भी आगे नहीं भेजेगा, हमारे वीडियो को जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। तो मुझे यही बोलनी थी। तो फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, अभी मैंने मच्छरदानी भी लगा दी, सब लोग सो भी गए, बस मेरे को सोना है, तो मैं अभी चाय पीती हूँ, चाय पीकर मैं सोती हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सबको।